स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। छात्रावास से रात भर गायब थी 6 छात्रा। भूखे प्यासे धरने पर बैठे आदिवासी स्टूडेंट्स। स्कूल में लटका ताला। अधीक्षक अधीक्षिका को हटाने की मांग। मुंगेली जिले में आदिवासी छात्रावास सुरक्षित नहीं है। बिना परमिशन के छात्रावास से छात्राएं गायब हो जा रही है। जिम्मेदार नींद में है, कभी भी कोई अनहोनी का खतरा है। 6 छात्राओं का अचानक बिना किसी को बताए गायब हो जाना अधीक्षिका को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अधीक्षिका और प्रिंसिपल की लापरवाही के मद्देनजर छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बालक अधीक्षक अधीक्षिका रीता डिंडरे और प्रिंसिपल पीडी ध्रुव को हटाने की मांग पर सैकड़ों की तादाद में आदिवासी छात्रा धरने पर बैठ गए हैं। प्रिंसिपल अधीक्षिका को हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला लोरमी के बंधवा स्थित एकलव्य विद्यालय का है, जहां जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आदिवासी छात्र हॉस्टल का घेराव कर दिए हैं। अधीक्षिका को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रधान पाठक पर बिना अनुमति के आधा दर्जन छात्रों को मेला घुमाने का आरोप लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रिंसिपल छात्रावास से 6 बच्चों को मेला घुमाने ले गए थे, जिसके बाद रात तक छात्राएं नहीं आईं। सूचना पर इसकी जानकारी अधीक्षिका ने उच्च अधिकारियों को दी, जिसमें जांच के बाद बच्चों को छात्रावास में घंटों इंतजार के बाद रखा गया था। इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद अब बच्चे बालक छात्रावास और बालिका छात्रावास की बच्चियां प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। बालक छात्रावास में अधीक्षक अश्वनी बंजारे तो वहीं बालिका छात्रावास में अधीक्षिका रीता डिंडरे कार्यरत हैं, जिन पर बच्चे मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। हटाने की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। आज सुबह से ही एकलव्य आवासीय विद्यालय के सभी बच्चे विद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक बालक छात्रावास में 178 बच्चे और बालिका छात्रावास में 180 बच्चियां रह रही हैं, जहां छठी से लेकर 11वीं तक पढ़ाई होती है।